अनंतनाग में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, छिपे हुए आतंकियों पर सेना की भरी कार्रवाई हुई है। अभी अभी जो जानकारी हमें मिल रही है, छिपे हुए आतंकियों पर ड्रोन से बम गिराए गए हैं। तो अनंतनाग में सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और ड्रोन की भी मदद दी गई है, आतंकियों पर ड्रोन भी गिराया गया है। छिपे हुए आतंकियों पर सेना की कार्रवाई जारी है, तो ड्रोन की भी मदद ली जा रही है ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो। और ड्रोन की मदद से अब इन दहशतगर्दों पर बम भी गिराया जा रहा है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं आसिफ कुरैशी के पास। आसिफ, अब ड्रोन की मदद से वहां पर बम गिराए जाने की सूचना मिल रही है, और क्या अपडेट आपके पास है? अखिलेश, देखिए आज सुबह से ही जो है आर्म ड्रोन यानी ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है जिस पर एक ऐसा हथियार लगाया गया है जिसकी मदद से कुछ बम उस जगह पर गिराया जा सके जहां पे मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी। पिछले 3 दिनों से लगातार ड्रोन के जरिए उस हाइड आउट को ढूंढने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि उन ड्रोन पे सिर्फ कैमरे लगे होते थे जिनको रिमोटली मॉनिटर यूज करके मॉनिटर करने की कोशिश होती थी कि ये सुनिश्चित कर सके कि मिलिटेंट किस जगह पे छुपे हैं या फिर उनका ठिकाना किस जगह पे है। और आज जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया उसमें 38 mm एक रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड जिसे कहे RPG कहे या फिर जो UBGL ग्रेनेड होता है 38 mm का वो सिस्टम लगाया गया था जिसकी मदद से कई ग्रेनेड उस जगह पे दागे गए जहां पे ये आशंका थी कि हो सकता है कि मिलिटेंट छुपा हुआ था, क्योंकि सीधे रॉकेट लॉन्चर की मदद से उस जगह को निशाना नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए सेना ने ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया। हालांकि ये इसमें कोई बड़ा प्रेडेटर ड्रोन यानी जिसे हेरोन ड्रोन कहते हैं जिसपे मिसाइल लगे होते हैं उसका इस्तेमाल इस जगह पे नहीं किया गया, क्योंकि जिस जगह एनकाउंटर हो रहा है उससे महज 300 से 500 मीटर की दूरी पर ही गडोल का गांव बसा है जहां पे अभी भी सिविलियंस मौजूद है। इसीलिए इस तरीके का ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया गया, केवल ऐसे क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया जिसमें 38 mm लॉन्च करने की जरूरी है कि तमाम एहतियात बरते जाए, पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।